निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को डायरिया की शिकायत पर तबीयत ज्यादा खराब होने के बायस गुज़िश्ता शब पेशावर में हयातबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाया गया था, जहां आज इनका इंतकाल हो गया। मरहूम आज़म खान की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे इनके आबाई इलाके चारसदा में अदा की जाएगी। आज़म खान की मैयत निजी अस्पताल से आबाई इलाके पड़ांग चारसदा के लिए रवाना कर दी गई है। आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हलफ उठाया था। आज़म खान ने पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की थी। आज़म खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे। उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर के ओहदों पर भी काम किया था। वो चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे चुके थे। याद रहे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खात्मे के बाद अपोजिशन लीडर की जानिब से आज़म खान का नाम पेश किया गया था, और जब ये नाम साबिक वज़ीर आला महमूद खान के सामने रखा गया तो उन्होंने फौरी तौर पर आज़म खान को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की मंजूरी दे दी थी।